श्री साईनाथाय नमः। आइए आज अध्याय 5 को श्रवण करते हैं। चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साईं शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा व नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोहिद्दीन के साथ कुश्ती, मोहिद्दीन का जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतरण, मिथ्या गुरु जौहर अली। जैसा गत अध्याय में कहा गया है, मैं अब श्री साईं बाबा के शिरडी से अंतर ध्यान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ इसका वर्णन करूंगा। चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता ना चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आर्म वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूं, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है और यह उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चरते देख उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वरन उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौट कर आए, तब तक चिलम भर कर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी, एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि पे घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला और वह अंगारा चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया, त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी, इसीलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव को लौट आई, परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। आइए अब जानते हैं कि फकीर को साई नाम कैसे प्राप्त हुआ। जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गईं और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख महालसापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया।
इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने के पूर्व देवीदास नाम के एक अन्य संत अनेक वर्षों से वहां रहते थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय पश्चात जानकीदास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे और पूर्ण तांबे के श्री गंगागीर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साईं बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशालिनी है, जहां एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशालिनी तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यद्यपि ब्रह्म दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वे येवला को लौट गए। यह उस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा छोटी उम्र के थे। आइए अब जानते हैं बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में श्री साईं बाबा ने अपने केश कभी भी नहीं कटाए और वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे राहता जाते तो वहां से वे गेंदा, जाई और जूही के पौधे मोल ले आया करते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते और स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। वे स्वयं कुएं से पानी खींचते और संध्या समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख देते थे। जैसे ही घड़े वहां रखते वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्षों तक चला और श्री साईं बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहां फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है, जहां सहस्त्रों भक्त आते जाते रहते हैं। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त जिनका नाम भाई कृष्ण जी अली बागकर था, उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने से पूर्व अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसीलिए भाई ने अपना कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। शक संवत 1834 में श्रावण के शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दीं। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरु नायक को सौंपा गया। कथा का पूर्ण विवरण। ठाणे के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बी विही देव, जो श्री साईं बाबा के एक परम भक्त थे, उन्होंने सगुण मेरु नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है, जो निम्नलिखित है। शक
1834 में बंबई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण जी अली बागकर भी उनके साथ में थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरु नायक तथा जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों ना पादुकाएं स्थापित की जाएं। जब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को विदित हो जाए तो वे इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। यह प्रस्ताव सबको मान्य हुआ और डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दी गई। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें बहुत से सुधार किए, कमल फूल आदि खींच दिए तथा नीचे लिखा श्लोक भी रचा जो नीम वृक्ष के महात्मय व बाबा की योग शक्ति का घोतक था, जो इस प्रकार है। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्त्राविणं तिक्तमप्य प्रियंतम तरुकल्प वृक्षाधिकं साधयन्तम् नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथम्। अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया है। उपासनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ और कार्य रूप में भी परिणित हुआ। पादुकाएं बंबई में तैयार कराई गईं और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेज दी गईं। बाबा की आज्ञानुसार इनकी स्थापना श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातःकाल 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर से समारोह और धूमधाम के साथ द्वारिका माई में लाए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा कि ये भगवान के श्री चरण हैं, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बंबई से एक पारसी भक्त पास्ता शेट ने 25 रुपयों का मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपये पादुकाओं की स्थापना निमित्त दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपये व्यय हुए, जिनमें 75 रुपये चंदे द्वारा एकत्रित हुए। प्रथम 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निमित्त 2 रुपये मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़े भी भेजी। स्टेशन से छड़े ढोने और छप्पर बनाने का खर्च सगुण मेरु नायक ने दिए। आजकल जरबाड़ी पूजन करते हैं और सगुण मेरु नायक नैवेद्य अर्पण करते तथा संध्या को दीपक जलाते हैं। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए वे शक 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी। तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहां व्यर्थ क्यों जाते हो, वहां के महाराज तो यही हैं। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे। श्री बी वही देव ने अंत में ऐसा लिखा है कि इन सब बातों का विवरण हेमांड पंत को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साईं सच्चरित्र में लिखना कभी नहीं भूलते। मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिद्दीन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया, फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए
एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चीथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागीर को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था। एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहा था, तब इसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हो गई और इसी उपयुक्त अवसर पर उसे देववाणी सुनाई दी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गया। पूना तांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वह अपने शिष्यों सहित वहां रहने लगा। श्री साईं बाबा लोगों से ना मिलते और ना ही वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाला साहेब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहेब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई जिनका नाम नाना साहेब था, के द्वितीय विवाह करने पर भी उन्हें कोई संतान न थी। बाला साहेब ने नाना साहेब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहेब के यहाँ एक पुत्र रत्न हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया तथा उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहेब चांदोरकर, केशव चितंबर तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इसी समय बाबा के पास कुल सामग्री, चिलम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का एक कपड़ा और एक सटका था, जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था कि मानो बालों का जुड़ा हो। हफ्तों तक वे इन्हें स्वच्छ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम देता था। वे एक कौपीन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख हो धूनी से तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहंकार, इच्छाओं और समस्त विषय आसक्तियों की उसमें आहुति दिया करते थे। वह अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में पधारे थे उसमें केवल दो कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यही सब भक्त उनके दर्शन करने आते थे। 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घकाल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विहल होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीप मालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। अब बनिए तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा ना दे। नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। बनिए तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल वे पी गए। उन्होंने उसे पुनः टिन पाट में उगल दिया और वही तेलिया पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनियों ने जब दीपकों को पूर्वतः रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया।
मिथ्या गुरु जौहर अली। उपर्युक्त वर्णित कुश्ती के 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक फकीर अपने शिष्यों के साथ रहता आए। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फकीर विद्वान था, कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थी, उसका कंठ मधुर था। गांव के बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसके पास आने लगे और उसका यथा योग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हुआ, जिसके फलस्वरूप जौहर अली रहाता छोड़कर शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन को जीत लिया और वह बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की, उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः रहता में आकर रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था, परंतु शिष्य गुरु के दोषों से परिचित था। इतने पर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता में ही था। श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका दूर राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। इन लोगों की ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन का हेतु बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फकीर के आने से पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था कि इतने में फकीर आ पहुंचे। इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने का कुप्रयत्न करते देखकर वे बहुत क्रोधित हुए। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें। इसीलिए वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों के पश्चात देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी में आए थे, उससे 12 वर्ष पूर्व देवीदास लगभग 10 या 11 वर्ष की अवस्था में शिरडी आए थे और वे हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडोल, सुंदर आकृति तथा तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति तथा अगाध ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोते, काशीनाथ व अन्य लोग उन्हें अपने गुरु के समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़कर वैजापुर को भाग गया। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साई बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था और श्री साई बाबा उसके शिष्य अब दूर हो चुका था। श्री साई बाबा उसे गुरु के समान ही आदर करते थे, उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साई बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्म अनुभव की ओर अग्रसर होना चाहिए। ऊपर वर्णित कथा महालसापति के कथा अनुसार है। अगले अध्याय में रामनवमी का त्योहार, मस्जिद की पूर्व हालत एवं पश्चात उसके जीर्णोद्धार इत्यादि का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 5 संपूर्ण हुआ। ओम श्री साईनाथाय नमः।